फोटोशॉप के थ्रू आधार कार्ड का पीडीएफ या फिर आधार कार्ड का पीडीएफ या फिर वोटर कार्ड का पीडीएफ हो गया या फिर पैन कार्ड का पीडीएफ हो गया या फिर आपके पास कोई अदर आईडी कार्ड हो उसका प्रिंट आउट निकालते हो, उसमें उसे फ्रंट एंड बैक साइड क्रॉप करके फिर उसमें एक परफेक्ट साइज सेट करके फिर प्रिंट आउट निकालते हैं फोटोशॉप से, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा समय लगता है और फिर भी उसकी क्वालिटी है बिल्कुल ख़राब आती है। तो ऐसे में आप ऑनलाइन टूल के माध्यम से एक क्लिक में उसका प्रिंट आउट किस प्रकार निकाल सकते हैं, इसके लिए आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आपको इसके लिए आपको गूगल में या किसी अदर ब्राउज़र में आपको सर्च कर लेना है, कहीं पर भी आपको यहाँ पर लिखना होगा ई कार्ड कटर GO24, ठीक है, आपको लास्ट में G24 ज़रूर टाइप करना है और आपको ये फर्स्ट में वेबसाइट मिल जाएगी ई कार्ड कटर GO24.info, ठीक है, इसी वाली वेबसाइट पर आपको विजिट करना है। आपको इस प्रकार का लुक है देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार का लोगो देखने को मिलेगा और आपके सामने इस प्रकार के सर्विसें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप इनमें से कोई एक आईडी कार्ड को क्रॉप करके उसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे ब्लू वाले जो बटन आ रहे हैं इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई आपका आइडेंटिटी कार्ड नहीं है और आप कोई अदर आइडेंटिटी कार्ड है उसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं। पहला ऑप्शन है क्रॉप ऑल आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, इस वाले बटन पर क्लिक करेंगे आप क्रॉप आइडेंटिटी कार्ड वाले बटन पर, जैसे कि यहाँ ये वाला बटन है इस पर आपको क्लिक कर देना है अगर इनमें से कोई आपका आईडी कार्ड नहीं है तो, जैसे हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। और इसमें क्या है देखो, थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर भी प्रोसेस बताया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगी, यहाँ पर इस प्रकार ये वर्क करेगा। चलिए हम आपको थोड़ा लाइव करके दिखा देते हैं। यहाँ पर ऊपर आते हैं और एग्जांपल के लिए यहाँ पर सेलेक्ट ऑल टाइप पीडीएफ बटन पर क्लिक करके कोई एक पीडीएफ का नमूना यहाँ पर है सेलेक्ट कर लेते हैं, प्रोसीड टू कंटिन्यू कर लेते हैं और आपके सामने इस प्रकार का लुक देखने को मिलेगा। कुछ सेकंड आपको वेट करना है, यह आपके सामने आ चुका है। अब इसमें से क्या करना है, आपकी माउस के सर्कल से इसको थोड़ा जूम इन करना है, यहाँ पर जूम आउट, ठीक है, और फिर उसको एडजस्ट करके यहाँ पर आपको इस प्रकार एरिया को सेलेक्ट कर लेना है। आपको इसको यहाँ से हम जैसे इस प्रकार इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और ये यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा ज़्यादा गया, यहाँ से इस प्रकार इसको एडजस्ट करके फिर नीचे आकर यहाँ पर जो हमने इस अभी क्रॉप कर ली के जो हिस्सा सेलेक्ट किया है वो फ्रंट है, तो फ्रंट या क्रॉप फ्रंट वाला बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फ्रंट इमेज शो कर जाएगा। अब इसी प्रकार आपको बैक साइड का भी इमेज है इसी प्रकार क्रॉप के लिए इसको सेलेक्ट करना होगा। चलिए हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं इस प्रकार, ये सेलेक्ट कर लिए, थोड़ा सा ऊपर से सेलेक्ट कर लेते हैं और येलो ये सेलेक्ट हो चुका है। अब नीचे क्रॉप बैक बटन पर क्लिक कर दिया इस प्रकार और लास्ट में बिल्ड नाउ बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर बॉर्डर चाहिए तो ये आई वांट गेट राउंड बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, टिक करेंगे तो आपको बॉर्डर मिल जाएगा, यानी यह वाला आउटलाइन मिल जाएगा, यह वाला जो आउटलाइन आ रहा है यह वाला आउटलाइन उस पर टिक करने से मिलता है, अगर उसको अनटिक करते हैं तो आउटलाइन नहीं मिलेगा। तो आपके सामने ये आ चुका है। अब इसमें यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पर प्रिंट पेपर पर क्लिक करेंगे तो जो ग्लॉसी पेपर होता है उस पर जो प्रिंट आउट निकालते हैं उसमें जो साइज होता है वो साइज यहाँ पर मिल जाएगी। अगर पीवीसी प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे तो जो पीवीसी कार्ड आता है उसका जो भी साइज रहेगा उसी साइज़ में आपको ये प्रिंट आउट मिल जाएगा। और डाउनलोड बटन पर क्लिक करके ये वाला इमेज डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे तो इनके सर्वर से आपने जो पीडीएफ अभी अपलोड किया था वो यहाँ से रिमूव हो जाता है तुरंत। तो अभी हम प्रिंट पेपर बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको टॉप में यहाँ पर आउटपुट देखने को मिल जाएगा। आप डायरेक्ट प्रिंटर सेलेक्ट करके यहाँ से आप डायरेक्ट प्रिंट दे सकते हैं। प्रिंट आउट निकल जाने के बाद पीडीएफ डिलीट बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, इस प्रकार यह सर्वर से रिमूव हो जाएगा, इस प्रकार आपका पीडीएफ भी सेफ रहेगा। ओके, तो इस प्रकार आप कुछ ही सेकंड में आप पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और इसमें आपको मैजिक आधार की तरह यहाँ पर एडवांस्ड क्रॉप आधार पीडीएफ का भी ऑप्शन है देखने को मिल जाता है जो उसी की तरह वर्क करता है। इसमें एडवांस लेवल पर फीचर है अवेलेबल है जिनके थ्रू आप आधार कार्ड के पीडीएफ को एडवांस लेवल पर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर सपोर्ट करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।